उत्तर प्रदेश के झांसी से बहुत ही दुखद खबर आ रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के झांसी में रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लग जाता है और आग लगने के दौरान 10 बच्चों की जान चली जाती है। जी हाँ, मैं उसी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हम दो हमारे एक के लगातार नारे लगते हैं। जी हाँ, डबल इंजन की सरकार चल रही है। सोचिए, जो आपके बच्चों को नहीं बचा सकते हैं, जो आपके बच्चों के भविष्य नहीं बचा सकते हैं, वो आपको सर्टिफिकेट बांटते हैं कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। बताया जा रहा है कि जो ऑक्सीजन जो बहुत ही संवेदनशील और दुखदायक है, क्योंकि बच्चों युवा बच्चा देश का भविष्य होता है और 10 बच्चों की जानें चली गई हैं। मैं कुछ और भी आपको बताऊंगा। सोचिए, डबल इंजन की सरकार है, लगातार युवा सड़कों पे हैं। वही क्रांति कुमार लिखते हैं कि झांसी अस्पताल के शिशु वार्ड में आग लगने से 10 बच्चों की झुलस के मौत हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी, सोचिए, बताया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने से पहले ही बच्चों के परिजन अपने जिगर के टुकड़ों को बचाने के लिए खुद ही वार्ड में घुस गए थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने से पहले, शासन प्रशासन के आने से पहले ही जो बच्चे के परिजन थे वो अस्पताल में घुस गए थे, वार्ड में घुसकर अपने बच्चों को बचाने लगे। हैरान करने वाली जानकारी है कि अस्पताल के वार्ड का फायर अलार्म काम नहीं कर रहा था। कोई वर्ण वार्ड था, अगर सेफ्टी अलार्म काम कर रहा होता तो शायद इस घटना को होने से रोका जा सकता था। सवाल उठता है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य बजट पर कितना खर्च करती है, यह बात किसी को पता नहीं होगी। गोरखपुर अस्पताल में जब बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मरे थे तब भी सरकार ने जिम्मेदारी नहीं की और डॉक्टर काफिल को बलि का बकरा बनाया गया। इस अमानवीय घटना पर किसे बलि का बकरा बनाया जाएगा? सोचिए, इसमें गोरखपुर की जो पीते दिन जो गोरखपुर में ऑक्सीजन के दौरान बच्चों की जाने गई थी उसको भी इस घटना से जोड़ कर देखा जा रहा है। बच्चे और माँ बाप का जो स्नेह होता है वो बहुत बड़े स्तर का होता है। माँ बाप अपने बच्चों को बचाने के लिए शासन प्रशासन और फायर ब्रिगेड की इंतजार नहीं किए और खुद आग में कूद पड़े अपने बच्चों को बचाने के लिए। ये है उत्तर प्रदेश का शासन और प्रशासन व्यवस्था, ये है वहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था। इससे पहले आप लोगों ने पुलिसिया व्यवस्था को देखा है? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।